एवरीवन, माय नेम इज शांत बसीन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल द इन्वेस्टर लॉजिक। सो गाइस, अब बात करने वाले हैं कि कल मंडे को कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, क्या लग रहा है, कौन से बढ़िया स्विंग ट्रेड्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, प्लस एक वॉच लिस्ट मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं एंड वॉच लिस्ट मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के अंदर आज शेयर कर दूंगा। इसके अलावा हम लोग एवरी वीक आप लोगों को एवरी संडे एक रिसर्च रिपोर्ट शेयर करते हैं कि आप नेक्स्ट वीक पे कौन से स्टॉक्स पे अपना फोकस रख सकते हैं, कि पूरे प्रीवियस वीक पे निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या करा तो उससे इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा बहुत अच्छा सेक्टर है जो नेक्स्ट वीक चल सकता है। सो वो रिसर्च रिपोर्ट भी हम लोगों ने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट रिसर्च रिपोर्ट एज वेल। और एक वॉच लिस्ट जो हम लोग इस नेक्स्ट वीक के लिए शेयर करने वाले हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बात करेंगे ये कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या लग रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हमको क्या कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की पॉसिबिलिटी क्या लग रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, एक बात मैं और बताना भूलिया आप लोगों को कि कल हम लोग मॉर्निंग में लाइव आने वाले हैं एट 8:45 AM, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आज आप लोग जल्दी से हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद, थोड़ा सा काम करने के बाद, एंड सुबह 8:45 पे आप ज्वाइन हुए, बिकॉज मैंने इस वीडियो के अंदर जो भी आपको डिटेल्स दिए हैं बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, अगर वो हम लोगों को कल मॉर्निंग के अंदर देखने को मिलता है तो डेफिनेटली हम लोगों को एक बहुत बढ़िया ट्रेड्स भी मिल सकते हैं। प्लस मैंने इस वीडियो के अंदर ही आप लोगों को एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बताई है, तो शायद अगर वो भी चांस आता है तो वो भी हम लोग एक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर 8:45 PM पे आप लोग AM पे आप लोग रेडी रहें द मॉर्निंग एंड आप लोग मेरे साथ लाइव में जुड़ पाएं। इसके अलावा आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप जो लर्निंग सीरीज को स्टार्ट कर रहे थे उसका क्या हुआ, क्योंकि आपने एक वीडियो डाल दिया एंड दूसरी वीडियो नहीं डाली। सो गाइस, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था बिकॉज मैंने वो वीडियो बहुत मेहनत से क्रिएट करी थी, टुक मी मोर देन 2 hours टू क्रिएट दैट वीडियो आफ्टर एडिटिंग एंड एवरीथिंग, और उस वीडियोस पे मोर देन मतलब 3000 लाइव व्यूज भी नहीं आए एंड मतलब हम वहाँ पर देख रहे हैं कि ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि आई एम अबाउट टू क्रिएट अ न्यू यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टोलॉजी विच इज़ माई कंपनी, एंड मैं वहाँ पर लर्निंग मटेरियल एंड वहाँ पर लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑन अ एवरी वीक बेसिस डालते रहूँगा एंड मैं प्रॉपर तमीज़ का चैनल लेकर जाना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पर एक रियल सब्सक्राइबर्स हो जो मेरी वीडियोस देख पाएँ, क्योंकि अगर यहाँ पर 80,000-85,000 सब्सक्राइबर्स और अगर 3,000 लोग देख रहे हैं तो उन लोगों ने फालतू में ही सब्सक्राइब करा है बिकॉज दे आर नॉट इन्जॉइंग द इन्फॉर्मेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग। सो आई पर्सनली थिंक जो इन्जॉय करना चाहता है, जो सीखना चाहता है मेरे से, वही से उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम जस्ट थिंकिंग, मैं अभी सोच रहा हूँ, आई थिंक मैं इसके अंदर भी पोस्ट कर सकता हूँ। सो जो भी प्लान आएगा आई विल शेयर दैट विद यू एज वेल। एंड मैं एक पोल भी क्रिएट करने वाला हूँ ऑन आर टेलीग्राम चैनल जिसपे मैं आपसे पूछूंगा कि शुड आई क्रिएट अ न्यू चैनल फॉर जस्ट ओनली फॉर अ लर्निंग पर्पज, जिसके अंदर आपको एडवांस चीजें प्रोवाइड होंगी जो एक्चुअल में जो 99% ऑफ द ट्रेडर्स एंड जो लॉसेस बुक करते हैं उनका रेशियो हम लोग कम कर पाए, ठीक है। सो आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ वेरी गुड डील। सो लेट गेट स्टार्टेड ऑन द वीडियो। सो गाइस, हमारा फर्स्ट स्टॉक है NMDC। NMDC पे अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड स्टॉक एक पॉसिबल रिवर्सल और एक अपमूव की रैली की तैयारी कर रहा है। अभी हम लोग ज़्यादा कंफर्मेशन के अंदर नहीं है स्टॉक के अंदर, अगर हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, बट अगर हम लोग देखें तो येस, इसके अंदर एक पॉसिबल रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट वीक हमारा ये स्टॉक एक फोकस के अंदर रहेगा एंड अगर हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो हम इसके अंदर एक क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू इसके अंदर बन क्या रहा है। सो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, एक सप्लाई जोन थी, एग्जैक्टली यहाँ पर एक सप्लाई आया, स्टॉक ट्राई टू गो डाउनवर्ड्स और एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला। आफ्टर दैट एक बहुत मेहनत करते करते कंटिन्यूस हायर राइज एंड हायर लूज मेंटेन करके फाइनली इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट ऑन March 2021। आफ्टर दैट एक अच्छी रैली हम लोगों को देखने को मिली है, बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही है। आफ्टर दैट एक फॉल आया, एग्जैक्टली जिस लेवल पर ब्रेकआउट दिया इट ट्राई टू मेंटेन दैट लेवल, वहां पर इसने पॉज लिया एंड अब यहाँ पर हम लोग एक पॉसिबल रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे ये जो एक फॉल इतनी बड़ी कैंडल आई थी, एक बियरिश कैंडल थी, अगर इसके ऊपर ये निकल जाएगा तो हम डेफिनेटली एक अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आप प्रीवियस एक और बड़ी रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं, इसका मिड 50 के ऊपर भी ये निकल जाएगा। सो अभी करंट प्राइसेस 146 rupees, 149 rupees के ऊपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है और तभी अपने और अच्छे लेवल्स पर जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक ने एक टर्न अराउंड ले लिया है। तो स्टॉक का नाम है NMDC, आई थिंक हम लोग इसे बाय कर सकते हैं ऑन करंट लेवल्स विद वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एंड अब जैसे 149 क्रॉस करता है हम लोग इसके अंदर और क्वांटिटीज एड ऑन कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की।
सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आर के फोर्ज। अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका 1033 रुपीज का, एंड ये ऑलरेडी मैंने बहुत पहले आप लोगों को एज अ स्विंग ट्रेड के लिए रिकमेंड करा हुआ है, जिसका जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो 1200+ रुपीज का करके चल रहा था। सो अभी ट्रेड कर रहे हैं 133,033 रुपीज पे, बट अभी भी एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए अगर आप लोगों ने मिस कर दिया। ये स्टॉक हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी रिकमेंड करा था 918 रुपीज के आसपास और 1200 रुपीज का टारगेट दिया था, बट आई थिंक अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो लेट मी शो यू कि यहां पर बन क्या रहा था। अगर आप सारे लोस को कनेक्ट करेंगे तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा था, आफ्टर दैट एक बहुत अच्छी रैली आई थी, एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड रैली इसने एक बुलिश पेनेंट पैटर्न क्रिएट करा, एंड आफ्टर अ वेरी गुड बुलिश पेनेंट पैटर्न इट गिव फाइनली अ वेरी गुड ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो लेवल था ब्रेकआउट का, दैट इज फ्रॉम इट्स बॉटम टू टॉप इट 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट, विच इज अ वेरी गुड सपोर्ट एज वी कैन टर्म्स। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिली है। सो मेरे हिसाब से अगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अगर आप इसके अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आई थिंक ये स्टॉक हम लोगों को आराम से 1200+ तक के टारगेट्स भी लेकर जा सकता है। स्टॉक का नाम है RK4, जिसे अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हैं। सो गाइस हमारा लास्ट स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज भी ऑलरेडी हम लोगों ने 1880 रुपीज पे आपको सजेस्ट करा था, एंड राइट नाउ 80 रुपीज ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो करंट प्राइस ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज 1965 रुपीज, और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि बहुत बढ़िया इसने एक रेंज बनाई थी, एंड इट्स दोनों जो रेजिस्टेंस लाइन थी ना सपोर्ट लाइन थी दोनों कन्वर्ज हो रही थी, एंड आफ्टर दैट एक बहुत बढ़िया एक बहुत ब्यूटीफुल हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला, एंड आफ्टर अ वेरी गुड ब्रेकआउट इट केम डाउन अगेन, एंड यहाँ पर इसने रीटेस्ट करा, इट ट्राई टू पॉज अ लिटिल बिट फॉर 1 to 2 वीक्स, एंड उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग एक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबेबली कि अपने प्रीवियस हाइज तक डेफिनेटली जाने की कोशिश करेगा, एंड अगर हम लोग एक ज़ूम लगा के चले तो दिस शुड बी आर टारगेट 2120 रुपीज़ का हम अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 200 रुपीज़ ऊपर है। इसके अलावा अगर हम लोग ना डेली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं तो ना डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करेंगे, एज यू कैन सी इट हेयर, एक कंटिन्यूस डाउनफॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक डाउनफॉल दिख रही थी। आफ्टर दैट इसने एक बहुत अच्छा पॉज लिया एट दिस पर्टिकुलर लेवल, एंड इट स्टार्टेड टू मूव अप अगेन, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत धीरे लेवल से ऊपर जा रहा है। तो आई थिंक अपने यहाँ पर एक बेस क्रिएट कर रहा है, एक छोटा सा जो हर्डल है वो हर्डल आ रहा है अभी हम लोगों को करेंटली इसी लेवल पे देखने को मिल रहा है। सो अगर कल इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, मतलब अगर कल ये 19,070 रुपीज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन येस इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर अ मिनिमम टारगेट ऑफ 2030-2040 रुपीज। अदर देन दैट वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ अबव 2100 or 2200। So these are the 3 stocks that we can go for a swing trade. Now let's talk to about Nifty and Bank Nifty as well, and with the open interest. So guys, हम लोग अपने निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं, इट्स अ डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी अभी अपने एक्जैक्टली रेजिस्टेंस के अंदर ट्रेड कर रही है। अब ये रेजिस्टेंस बना कैसे और ये रेजिस्टेंस क्यों है, तो लेट मी शो यू। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे पहले निफ्टी एक अप ट्रेंड के अंदर बहुत अच्छे बेसिस पे था, आफ्टर दैट एक हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं क्लोजिंग देखने को मिली है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। After that, on a regular basis, for more than 3 to 4 days, हम देखते थे एक bearish candle सी हम लोगों को ऊपर से देखने को आती थी। After that, जैसी जो resistance की line थी ये break हुई और यहाँ पर इसने retest लिया और एक sharp fall हम लोगों को देखने को मिली। Exactly उसी level पर trade कर रहा है और अब आप देख सकते हैं ना continuous 3 days तक ये इसी range पे sustainable था। So जो higher resistance है that should be around 18,340-330 रुपीज का, बट ऑलमोस्ट वी कैन एक्सपेक्ट 100 रुपीज रैली इन निफ्टी एज वेल, बट आफ्टर दैट वी हैव टू बिट वेरी कॉशियस, एंड यहाँ पर मार्केट इज वेरी बुलिश, सो डेफिनेटली वी हैव टू बाय ऑन डिप्स, वी हैव टू फॉलो द बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी एज वेल एज ऑन द ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पर शॉर्ट के बारे में नहीं सोच सकते, बिकॉज अगर मार्केट इज गोइंग अप डेफिनेटली वी हैव टू थिंक दैट मार्केट कैन गो अप और हायर। सो हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ बाइंग ऑन अपॉर्चुनिटीज के ही बारे में सोचना है। अगर आप लोग सोचते रहोगे मार्केट कहाँ पर हाई क्रिएट कर रही है, तो डेफिनेटली आप अपने ट्रेड्स को मिस कर दोगे, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दोगे। सो लेट शो यू ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, आप देख सकते हैं आफ्टर अ वेरी गुड कंसोलिडेशन एट दिस पर्टिकुलर लेवल, इस लाइन के ऊपर यहाँ पर हम लोगों को क्लोजिंग देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। फ्रॉम पास्ट 3 डेज हम लोग देख रहे थे इसके ऊपर ट्राई कर रहा था, बट वो उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था। सो आई पर्सनली थिंक अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है दैट इज 18,270 रुपीज के ऊपर, तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18,330 तक भी मार्केट और निफ्टी क्लियरली जा सकती है, बट आफ्टर दैट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस।
ठीक है, सो लेट डिस्कस बैंक निफ्टी एज वेल एंड देन जस्ट वी गो टू द ओपन इंटरेस्ट डाटा। सो बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन कर दिया ना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस ही हुआ करता था, आफ्टर दैट एक बहुत अच्छा फॉल भी आया था। इसके बाद इसने एक क्लियर ब्रेकआउट दिया, इट गिव अ रीटेस्ट एंड अगेन इट स्टार्टेड टू क्रिएट हायर राइज एंड हायर लोस, एक अच्छे खासे हायर राइज एंड हायर लोस के कंटिन्यूस फॉर्मेशन के अंदर था। बट रिसेंटली अगर हम लोग स्टडी करें तो 12th जैन से ये कंटिन्यूसली एक लोअर लो एंड लोअर हाइज के फॉर्मेशन के अंदर सस्टेन कर रहा था। फाइनली अगर आप चेक करेंगे तो एक छोटा सा जो हर्डल है अपना प्रीवियस मूविंग हाई का, दैट शुड बी दिस लेवल जो कि 38,500 रुपीज का हमें देखने को मिल रहा है। सो अभी द करंट प्राइस इज 38,370 रुपीज। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता जो प्रीवियस मूविंग हाई है, तब तक डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये एक टर्न अराउंड हो चुका है। और अगर मोस्ट प्रॉबेबली कल हम लोगों को एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, सो आर टारगेट शुड बी अराउंड दिस लेवल, ये हमारा टारगेट होगा, दैट शुड बी आवर 38,200। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 38,200 आप क्यों दे रहे हैं, दिस शुड बी आवर टारगेट। बट क्योंकि मार्केट इज वेरी बुलिश और ये एक शॉर्ट टर्म हम लोग देख रहे हैं, एक माइनर हम लोग डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, सो यस वी कैन एक्सपेक्ट कि ये अगर ये फॉल आता है तो एक ये हायर लो क्रिएट कर सकता है एंड आफ्टर दैट इट कैन ब्रेक फ्रॉम इट्स प्रीवियस हाई एज वेल। सो वी हैव टू बीट वेरी कॉशियस। हम लोगों को एक अच्छा अगर शॉर्ट मिलता है तो हम लोगों को एक बढ़िया टाइम पे एग्जिट करना भी आना चाहिए। सो अगर कल गैप डाउन होती है तो डेफिनेटली वी विल ट्राई कि इस लेवल से एक पॉसिबल रिवर्सल देखने को मिले। अगर इस लेवल से रिवर्सल आता है डेफिनेटली वी कैन गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी एज वेल। बट अगर हम लोग एक कंटिन्यूस फॉल देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक डबल बॉटम सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हम लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है बिकॉज द मार्केट इज वेरी बुलिश। और अगर हम लोग कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी को, सो निफ्टी इज मोर बुलिश दैन बैंक निफ्टी, ठीक है। सो वी विल फोकस मोर ऑन निफ्टी एज वेल एज ऑन बैंक निफ्टी, ठीक है। बट अपॉर्चुनिटी टू गो हायर इज इन बैंक निफ्टी एज वेल। सो एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा के अंदर हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज कहाँ लग रही है और कहाँ पर कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो लेट्स गो टू ओपन इंटरेस्ट डाटा एज वेल। सो हम लोग अपने निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट पे आ चुके हैं एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 18,200 रुपीज़ के ऊपर हैवी पुट राइटिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है एंड सिमिलरली हैवी कॉल राइटिंग भी 18,200 के ऊपर देखने को मिल रही है। सो राइट नाउ जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो अबव 18,200 ट्रेड कर रहा है एट द करंट प्राइस ऑफ 18,255 रुपीज़। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि शायद 18,200 ब्रेक ना हो। अगर हम लोग बात करें तो सेकंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग इज दैट 18,400 एंड 18,300। सो अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर ब्रेकआउट आता है 18,270 के ऊपर तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ अप मूव ऑफ 18,330 टू 340 रुपीस का। एंड जितने भी कॉल राइटर्स जो 18,700 एंड 600 के अंदर है दे विल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड और 18,400 को एज अ एक रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सेकेंड हाईएस्ट पुट राइटिंग की तो दैट इज एट 18,000 एंड 18,100। सो आई थिंक मार्केट इज गोना बी इन अ वेरी गुड रेंज फॉर द नेक्स्ट वीक। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18,000 एंड 18,400 तक की जो ये 400 रुपीस की जो रेंज है इसी के अंदर मार्केट एक मोस्ट प्रोबेबली क्लोजिंग दे सकती है। सो अगर कल हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो 18,200 रुपीस के आसपास आती है मार्केट, सो डेफिनेटली हम लोग एक आयरन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी भी क्रिएट कर सकते हैं इस रेंज को देखकर। अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी पे हाईएस्ट जो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है दैट इज एट 38,000 और हाईएस्ट कॉल राइटिंग भी 38,000 के अंदर देखने को मिल रही है। सो अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ऊपर अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर, तो यस वी कैन एक्सपेक्ट कि कल एक गैप डाउन ओपनिंग भी या फिर एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं 38,500 पे पुट राइटर्स दे एग्जिटेड फ्रॉम देयर पोजिशन, वो एग्जिट कर चुके हैं जितने भी पुट राइटर्स थे। और हैवी सेकेंड हाईएस्ट कॉल राइटिंग इज एट 38,400। सो डेफिनेटली अगर कल मार्केट एक गैप अप भी ओपन होता है तो वहां पर एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। सो आई पर्सनली थिंक कि कल हम लोग खुलते ही मार्केट को लॉन्ग नहीं जाएंगे, जब तक 38,500 ब्रेकआउट नहीं होता तब तक बाय नहीं करना। अदरवाइज अगर कल ये फॉल करके जो लेवल हमने डिसाइड करा है 38,200 और 180 रुपीज का, तब तक हम लोग अपना लॉन्ग ट्रेड भी नहीं लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द ओपन इंटरेस्ट डाटा और आई थिंक चार्ट्स और ओपन इंटरेस्ट दोनों से चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर अपना एक डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस
इंस्टाग्राम प्लीज गो एंड लिंक, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इंस्टाग्राम पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर हम लोग एक बहुत एजुकेशनल और नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वहां पर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल सकता है एंड एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड हो सकती है फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड। एंड हम बहुत सारी स्टोरीज भी वहां पर डालते हैं कि कौन से स्कैम्स हुए एंड एवरी थिंग, कौन सी स्टोरीज है बड़ी बड़ी कंपनीज की, सो आई थिंक वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस ऑन टेलीग्राम चैनल वहां पर हम आप लोगों को वॉच लिस्ट एंड रिसर्च रिपोर्ट्स अपनी और मॉर्निंग के अंदर सारी चीजें भी शेयर करते हैं कि कौन से स्टॉक्स आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा कल हम लोग लाइव आने वाले हैं एट 8:45 AM इन द मॉर्निंग, सो वहां पर भी हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से ओपन होती है, तो आई थिंक कि शायद हम लोगों को मॉर्निंग में कोई ट्रेड मिल भी जाएगा बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, तो आई विल प्रोवाइड यू दैट एज वेल इन द लाइव सेशन। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग आज जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठे कि हम लोग लाइव अटेंड कर पाए एंड मजे से मार्केट में ट्रेड कर पाए। हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।